हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसके जरिए आप एक साथ कई फ़ोटो को सजा सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सजाने के साथ साथ आप इसमें अच्छे खासे इमेज भी लगा सकते हैं, फ्लावर्स का मतलब इमोजी भी लगा सकते हैं इसमें। जी हाँ, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन एप्लीकेशन की जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। ये एप्लीकेशन आपको कैसे डाउनलोड करना है मैं वीडियो के इन में बता दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का फेस आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए, आपको बहुत सारे फ्रेम देखने के लिए मिल रहा है, तो इसमें से आप जो चाहें फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप देख लीजिए आपको कितने सारे फ्रेम देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए इसमें से हम कोई एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम इस वाले फ्रेम को ले लेते हैं, यहाँ से इस वाले जो राउंडिंग वाला फ्रेम है इसको ले लेते हैं। और यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है इसको सेलेक्ट करके और अपने गैलरी से कुछ अच्छे फ़ोटो ले लेना है जो आपको पसंद आए। हम आपको बता दें कि इसमें आप देख लीजिए कितने फ़ोटो सजा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप इसमें 6 फ़ोटो लगा सकते हैं। तो चलिए हम अपने गैलरी में से 6 फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने 6 फोटो सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें आप चाहें तो कुछ एडिटिंग भी कर सकते हैं। एडिटिंग कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप चाहें तो यहाँ पे अपना नाम या फिर कुछ और लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे टी लिखा हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का फेस आएगा और यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहें वहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम अपना नाम लिख देते हैं, यहाँ देख लीजिए हम अपना नाम लिखकर इसको कलर में सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कौन सा कलर चाहिए, और इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको फॉन्ट यही रहने देते हैं और सब कुछ सेम रहने देते हैं। उसके बाद से हम यहाँ ऊपर साइन का जो ट्रिक दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ देख लीजिए हम इसको जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं। चलिए हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं, तो हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद से आप चाहें तो यहाँ पे जो राउंड में इसका जो कलर दिखाई दे रहा है इसको आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए आपको बहुत सारे कलर देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें से चाहें तो आप किसी पर क्लिक करके यहाँ पे देख लीजिए कैसे चेंज हो रहा है, तो आपको जो भी अच्छा लगे इसमें से क्लिक करके आप लगा लीजिएगा। तो चलिए हम कुछ और चेंज कर देते हैं, इसको ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखने में। उसके बाद से आप चाहें तो और भी इसमें आपको कलर देखने के लिए मिल जाएगा, आप इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद से यहाँ पे देख लीजिए कुछ इमोजी आपको देखने के लिए मिल जाएगा जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इमोजी देखने के लिए मिल जाएगा, कुछ फ्लावर्स हैं। तो मान लीजिए अगर आप इस फ्लावर को लगाना चाहते हैं यहाँ पे, तो इस पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देख लीजिए आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, और यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है कि ये अलग से लगाया गया है। तो इस तरह से इसमें कुछ इमोजी भी हैं, इसको भी सेलेक्ट करके आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैलून आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ एनिमल इमोजी भी है। तो इस तरह से इसमें आप इजीली कोई भी इमोजी लगा सकते हैं और अपने फ़ोटो को अच्छे खासे सजा सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि इसको आपको सेव कैसे करना है। सिंपली सेव आपको सिंपली यहाँ पर जो आइकन लास्ट में दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ देर तक ये प्रोसेसिंग करेगा और यहाँ पर एस आपको कर देना है। तो देख लीजिए हमारे गैलरी में सेव हो गया है। तो इस तरह से इसमें आप अपने गैलरी में भी सेव कर सकते हैं और इजीली आप इसमें फ़ोटो सजाने वाला एक अच्छा खासा फ्रेम बना सकते हैं। जी हाँ, तो ये थी हमारी आज की जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।